हेलो दोस्तों, आपसे का स्वागत है हमारे चैनल में। और इस वीडियो में आज हम आपको बता रहे हैं कैसे आप अपने YouTube वीडियो के लिए या फिर कोई भी वीडियो के लिए कस्टम थंबनेल कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, पिकार्ट। जी हाँ दोस्तों, पिकार्ट से आप लोगों ने फोटो एडिट करना सीखा होगा, लेकिन आज हम कस्टम थंबनेल बनाना सिखा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर हम ओपन करते हैं। ओपन हमने क्योंकि यहाँ से हम पहले से इंस्टॉल करके रखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप ओपन करते हैं, यहाँ पर आपको एक प्लस का सिंबल मिलता है, यहाँ पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है, थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा इसको, तो यहाँ पर आपको एक जो भी है कलर बैकग्राउंड का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप जो भी पसंद है वो बैकग्राउंड ले लीजिएंगे। ठीक है, जैसे बैकग्राउंड लेते हैं, यहाँ पर आपको इसको जो है रिसाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक टूल का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो है क्रॉप का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ऊपर में देखिएगा क्रॉप का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा ये सब। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि कौन किस लिए आप बना जो है यहाँ बना रहे हैं। जैसे कि आप कवर के लिए बना रहे हैं या फिर पोस्ट के लिए बना रहे हैं, तो हमारा जो है यहाँ पर जो भी है यहाँ पर सभी लिखा हुआ है, फेसबुक इंस्टाग्राम सभी है, लेकिन हमारा जो है आज का जो कवर है वो थंबनेल है वो है यूट्यूब के लिए। तो हम यहाँ पर यूट्यूब वाले को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे यूट्यूब का ऑप्शन है देख सकते हो, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक जो है ये रिसाइज हो जाता है। अब यहाँ पर हम जैसे प्लस पर यहाँ पर राइट करेंगे। राइट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से जो ये आ गया। अब यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं, यहाँ पर कैसे आप जो है बिना मोबाइल नंबर के फेसबुक जो है कैसे अकाउंट बना सकते हो, इसका हम यहाँ पर कस्टम थंबनेल यहाँ पर तैयार करके यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम अपने आ जाते हैं इसमें। यहाँ पर सबसे पहले तो हम जो टेक्स्ट बोले वो यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लिया क्रिएट ए फेसबुक अकाउंट विदाउट फ़ोन नंबर। ठीक है, ये अब लिखा गया। अब इसको जो है हम यहाँ पर साइज से जो भी है वो यहाँ पर जो है यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं विदाउट फ़ोन नंबर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये जो है अब हो गया, यहाँ पर इसकी जो वो है वो हम यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको आप एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आप एडजस्ट कर लीजिए। नीचे में आपका जो टाइटल होता है उसकी जो भी राइटिंग होती है वो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कलर का ऑप्शन है, या आप लोग कोई भी कलर इसे दे सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर जो है यहाँ पर स्ट्रोक देख सकते हो, यहाँ पर जो भी आप इसके जो साइड इमेज होते हैं आरी पर उसकी जो देख सकते हो उसकी इमोशन को जो कैसे कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर जो ये ऑप्शन मिलता है जिससे आप इसको थोड़ा सा हाइड और ब्लर कर सकते हो। तो ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको जैसे एडजस्ट करना है उसे एडजस्ट कर लीजिए। हम जैसे एडजस्ट कर रहे हैं वैसे आप भी कर सकते हो, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसे आप एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर जैसे आप एडजस्ट कर लिए, एडजस्ट हमने भी कर लिया, यहाँ पर आप सही का क्लिक करेंगे। ठीक है, अब जो यहाँ पर आपको एक लोगो या फिर आपका उसके स्क्रीनशॉट वगैरह यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं अपने ऐड फोटो में, और यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर हमको ये वाला है जो ऑप्शन देखना है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, या फिर इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से हमने कर लिया, अब इसको देख सकते हैं एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम एक मार्क लगा देते हैं जिससे लोगों को लगे कैसे अकाउंट बनेगा। यहाँ पर हम आते हैं, एक तीर का निशान लेते हैं। निशान लेने के बाद यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो हमारा जो थंबनेल है वो बनकर तैयार हो गया, और आप यहाँ से देख सकते हो स्मूथली। ठीक है, इसमें को जो टॉपिक है वो भी बताया गया, उसकी जो भी लेन जो भी मतलब जो भी ज़रूरी है वो सब हमने लगा दिया। अब यहाँ से आप इसको सही क्लिक करोगे, यहाँ पर देख सकते हो ये जो कस्टम थंबनेल बनकर तैयार हो गया हमारे इस जो भी वीडियो के लिए, और यहाँ पर सही पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। नेक्स्ट पर जैसे ही करोगे यहाँ पर सेव का ऑप्शन आता है, सेव पर क्लिक करो और सेव एज ड्राइव में कर सकते हो या फिर अपने डिवाइस में कर सकते हो। करने के बाद आप यहाँ से आराम से जो यहाँ पर अपने जो भी थंबनेल है वो यहाँ पर आप कस्टम थंबनेल को यहाँ पर करो। उसके बाद यहाँ से आप फाइल में चूज करो। चूज करने के बाद आपको इमेज लेना है, पिकआर्ट से जो बनाया है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, और देख सकते हैं यहाँ पर जो आप हो गया। अब यहाँ से ऐसा आप जो है आराम से आप कस्टम थंबनेल अपनी वीडियो के लिए बना सकते हो। वीडियो पसंद आता है तो लाइक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।